अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द मैथ्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्टूडेंट्स थ्री क्लास के ठीक होंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। स्टूडेंट्स, हम नंबर ऑपरेशन पढ़ रहे थे, क्या आपको याद है? हमने एडिशन भी सीखा था और डिफरेंट प्रैक्टिस भी की थी और नंबर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और इसके बाद हम कहाँ पहुँच गए थे? हम सब्ट्रैक्शन पे पहुँच गए थे। हमने सॉल्व किए थे सब्ट्रैक्शंस। यस एग्जैक्टली, हमने सब्ट्रैक्शन के मैंने आपको कुछ पॉइंट्स कुछ टिप्स बताई थी लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की थी। तो आए आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए हम सीखते हैं कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या? के नंबर में से कुछ कट करना है, अगर कुछ मिस हो गया है तो उसको निकाल देना है और न्यू नंबर जो मिलेगा वो सब्ट्रैक्टेड नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 41, ओके, एंड रेडी विद अ शार्प पेंसिल। वेरी गुड स्टूडेंट्स, देखें तो सही सब्ट्रैक्ट नंबर पे कैसे लिखे हुए हैं। ये भी वर्टिकल फॉर्म में सब्ट्रैक्शन दी गई है। मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन और एडिशन को इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो वंस वंस के नीचे आते हैं, टेंस टेंस के नीचे आते हैं और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है ना? चले आए देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। लुक, वंस एंड टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे पास पहला नंबर क्या है? 56 एंड द अदर नंबर इज 25। किस तरह से लिखा गया है? वंस यानी कि जो 6 है, 6 के नीचे 5, वो भी वंस है, एंड द अदर इज 56, सो 5 टेंस है और 2 जो है वो भी टेंस है, यानी कि टेंस टेंस के नीचे, वंस वंस के नीचे। और इसी तरह से हमें क्या करना है? वंस को वंस में से माइनस करना है और टेंस को टेंस में से माइनस करना है और हमें नीचे जो लाइन दी गई है उसमें लिखना है। ठीक है, वंस में क्या है? 5 एंड अदर इज 6 एंड माइनस 5, यानी कि 6 में से 5 को कट करना है। 6 फिंगर्स में 5 फिंगर्स को निकाल देना है तो क्या बचेगा? इट्स ओनली 1। तो आप यहाँ लाइन के नीचे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। देन यू हैव टेंस में हमारे पास क्या है? 5 माइनस 2, माइनस करेंगे कट करेंगे 2 को, 5 में से 2 निकल गए तो कितने बच गए? 5 फिंगर्स, 2 निकल गए तो कितने बच गए? हेयर इज 3। तो आप लाइन के नीचे क्या लिखेंगे? 3। आपके पास कितना रिमेन रह गया? 31। करेक्ट, लिख लिया सबने? शाबाश, समझ आया क्वेश्चन? आए तो फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी क्या है? इसी तरह से टेंस और वंस लिखा हुआ है और उसमें आपको सॉल्व करना है 83 माइनस 42। ठीक है, 83 और 42 को माइनस करना है। वंस वंस के नीचे लिखा गया है यानी कि 3 और 2 वंस हैं और टेंस 8 और 4 है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बच जाएगा। अपनी पेंसिल शार्प अपने हाथ में रखें और मेरे साथ सॉल्व करते जाएं। 3 में से 2 गए, 1 बच गया, 1 लिख लिया, शाबाश। 8 में से 4 गए, कितना बचा? बाकी रह गया 4, शाबाश। तो वो लिख लें, हमारे पास कितना टोटल हो गया? 41। वेरी गुड, कम टू द नेक्स्ट। वी विल नॉट डन डूइंग पार्ट सी, ओके, वी आर नॉट डूइंग। आपको पता है ये पार्ट सी मैं क्यों छुड़वा रही हूँ, आगे चल के बताऊँगी। ओके, कम टू द पार्ट डी। हमने सी पार्ट को लीव कर दिया, डी पार्ट कर रहे हैं। लेकिन डी पार्ट में देखें आपकी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एच टी और ओ। एच किस लिए स्टूडेंट्स? वेरी गुड, एच 100 के लिए है और टी टेंस के लिए है और ओ वंस के लिए है, ये तो हमें मालूम है। तो अब देखें हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर में से 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 864 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 444। ठीक है, लिखा क्या है? बुक में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो 1 by 1 करना है और स्टार्ट कहाँ से करना है? वंस से करना है। पहले वंस में से वंस का पार्ट माइनस होगा, फिर टेंस में से 10 का पार्ट माइनस होगा एंड 100 में से 100 का पार्ट माइनस होगा। और इस तरह से सब्ट्रैक्शन या एडिशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, घबराना नहीं है। ओके, रेडी, हियर इज 7 माइनस 4 गिव्स यू 3,
सिक्स माइनस फोर, सिक्स फिंगर्स आउट करेंगे, फोर फिंगर्स माइनस कर देंगे, कितने रह गए, दो थंब, इट मीन्स टू, शाबाश, दो लिख देंगे यहाँ पे। एट माइनस फोर गिव्स यू फोर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फोर। रिमेनिंग आंसर क्या रह गया, 823, गुड, लिख लिया आपने, शाबाश। अगले पे आ जाइए, ये भी 100 का क्वेश्चन है, और क्या है, 904 में माइनस करना है 501 को, ठीक है, 904 में से माइनस करेंगे, कम्प्लीटली हम माइनस करना मुश्किल हो जाएगा, वंस को वंस से, टेंस को टेंस से, और 100 को 100 से माइनस करेंगे, इसे आसान हो जाएगा। 4 में से माइनस 1 गिव्स यू 3, 0 में माइनस 0, 0 में से 0 जाएगा, यानी कि हमारे पास कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होगा, यानी कि 0 गिव्स यू 0 अगेन, ओके। 9 माइनस 5, 9 फिंगर्स में से 5 फिंगर्स को आउट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 4, शाबाश, यहाँ लिख देंगे 4, आंसर विल बी 403, ठीक, ऐसे हो गया हमारा क्वेश्चन आसान। एफ पार्ट हम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे का मतलब अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। कम टू द पार्ट, हेयर इज जी पार्ट, और लुक, जी पार्ट में क्या है, यहाँ टी एच, एच टी एन ओ, ओ वी नो दैट वंस, टी इज टेंस, एच इज 100, सो टी एच क्या है, एग्जैक्टली राइट माई स्टूडेंट्स, दैट इज 1000, शाबाश, माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नो दैट दैट द फोर डिजिट इज 1000, शाबाश, सो 1000 वैल्यू आ जाएगी, तो भी कोई मसला नहीं है, हमें नंबर वाइज वन बाय वन हर नंबर को अपने प्लेस वैल्यू के नीचे रखना है और वन बाय वन माइनस करना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सो वी हैव 4876 द फर्स्ट वैल्यू एंड द अदर वैल्यू इज 3475। सो हर नंबर अपनी अपनी प्लेस वैल्यू के नीचे आ चुका है, और किस तरह से सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 5, मैंने 1 से स्टार्ट किया है, और हमेशा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया, 1 बच गया, 7 में से 7 गए, पूरे 7 थे, पूरे 7 ख़त्म हो गए, तो क्या बच जाएगा, 0, शाबाश, कुछ भी नहीं। 8 माइनस 4 गिव्स यू 4 अगेन, एंड 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, लिख लिया, 1401 बच गया हमारे पास, वेरी गुड, शाबाश। कम टू द नेक्स्ट, और मेरे ख्याल से तो स्टूडेंट खुद कर सकते हैं अगले क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, पार्ट सी अपने पास लिख लीजिए, याद रखिए जो भी हमने बुक में क्वेश्चन छोड़ा है वो कौन कौन सा है, पार्ट सी, पार्ट एफ, पार्ट एच एंड पार्ट आई, यानी कि 4 क्वेश्चन पार्ट जो हैं वो मैंने आपको होमवर्क के लिए देने हैं, इसलिए मैंने ऊपर से नहीं करवाए थे, और जिस तरह से आपने अभी सॉल्व किया, मेरे साथ साथ सॉल्व किया, उसी तरह से क्वेश्चन को समझते हुए 1 से स्टार्ट करके सॉल्व करना है, और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब स्टूडेंट टीचर आपको कॉल करें तो आप उनको बताइएगा कि आपने एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स मेरे साथ सॉल्व किए और कुछ पार्ट्स होमवर्क में ले लिए, ठीक। इसी के साथ हमने सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अगली बार मिलेंगे होपफुली, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।